तो कांग्रेस के बाद बीजेपी ने हरियाणा के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया और इस मौके पर सी मनोहर लाल ने आदर्श राम राज्य लाने की बात कही। तो वहीं बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मनोहर सरकार ने हरियाणा की तकदीर पर और चरित्र को बदल दिया। वहीं हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति के साथ साथ करप्शन और भाई भतीजावाद को भी बदला है। तो इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख ओपी धनखड़ समेत और पार्टी के कई नेता शामिल रहे। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का टाइटल हमारे सपने का हरियाणा रखा गया, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ये कहना है सी मनोहर लाल का। तो आपको बता दें कि गांव में मुख्यमंत्री किसान खेत मार्ग योजना के तहत खेत के रास्ते जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। तो वहीं जो किसानों को मजबूत और टिकाऊ बनाने की बात भी यहां पर सी मनोहर लाल की तरफ से कही गई। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम हमारे सपनों का हरियाणा रखा गया है। तो आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी की तरह अपने घोषणा पत्र के नाम पर जिस तरह से संकल्प पत्र रखा है उस पर भी कटाक्ष करते हुए सी मनोहर लाल नजर आए। हमारा संकल्प पत्र, हमारा सपनों का हरियाणा, इसका विमोचन यहाँ पर हुआ। यह संकल्प पत्र कमिटमेंट पेपर इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड अ वेरी स्टडीड डॉक्यूमेंट। अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन टेकन टू ड्राफ्ट दिस डॉक्यूमेंट। बहुत मेहनत हुई है इस पर, ग्रास रूट लेवल से, पब्लिक सोर्सिंग से, जनता के विचार लेकर, एक सीरियस एफर्ट के बाद यह संकल्प पत्र तैयार हुआ है। इस कमिटमेंट पेपर का फोकस है जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको एड्रेस किया गया है। द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट पेडेस्टल, ही हैज बीन फोकस्ड, और उसको आगे रखने का प्रयास हुआ है। मोदी जी ने रेवाड़ी में ही कहा था ओआरओपी के विषय को हम पूरा करेंगे। आई कैन से विथ अथॉरिटी द 12,000 करोड़ रुपीज हैव बीन गिवन फॉर वन रैंक वन पेंशन, 22 लाख केसेस हैव बीन एड्रेस्ड एंड देयर इज नो सिंगल पेंडिंग केस ऑफ वन रैंक वन पेंशन। इस बार का हमारा संकल्प पत्र है, इसकी परीक्षा हमारी अगले 5 साल में होगी। हमारा जो परिणाम निकालना है वो जनता ने निकालना है, फिर भी हम अपनी ओर से अपना संकल्प लेकर के और आगे बढ़ते हैं। शासन की एक कल्पना रहती है कि हम अपने राज्य को कैसे आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट बनाएं, और आज हम संकल्प पत्र जब जारी कर रहे हैं तो मुझे उसमें से एक प्रेरणादायक बात और ध्यान में आ रही है कि आदर्श राज्य यानी हम राम राज्य की बात करते हैं, और राम राज्य की बात, आज का दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म, वाल्मीकि जी को रामायण का प्रणेता मानते हैं, रचेता मानते हैं, और भगवान राम जी के नाम से राम राज्य की जो बात है, आज के दिन इसकी घोषणा ये बहुत सार्थक मुझे लग रही है। किसान का कर्ज माफ करेंगे, अभी किसान का कर्ज माफ कई जगह पर घोषणा की भी है, वो उसके ऊपर पूरे नहीं उतर सके हैं। पंजाब देख लीजिए, उनके पास तो एम्प्लाइज को यानी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज माफ की बात तो दूर है। मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने ये घोषणा की तो सिर्फ 50,000 रुपए की एक किश्त ये उन्होंने माफ की, इसके आगे बढ़ नहीं सके। हम चाहते हैं कि आखिर किसान इस दबाव में आए ही क्यों, उसको कैसे समृद्ध बनाया जाए, और आकृतिक आपदाओं में जब कभी होती है तो उसको कैसे भरपाई करना, इस ओर हम आगे काम करते हैं। तो ये पिछला जो 5 साल का हमारा कार्यकाल है, इसमें जितनी सहायता किसानों की गई है,